हाय स्टूडेंट, मैं हूँ शंभू। यस के इडुअल में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में फिर से सीखेंगे एक्सेल का बेसिक पार्ट टू, कि एक्सेल में किस पार्टीशन को क्या कहा जाता है और सेल किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, एक्सेल में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, एक एक करके जानकारी आज के क्लासेस में हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। जैसे हमने कल स्टार्ट किया था, सेम वैसे ही स्टार्ट करना है। हमें विंडो प्लस आर दबाना है। विंडो प्लस आर दबाने के बाद से एक्सेल टाइप कर देना है। जैसे हमने एक्सेल टाइप किया, वैसे एक्सेल का इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, तो इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद पिछले क्लासेस में हमने क्या बताया था, ग्रुप के बारे में बताया था। क्या बताया था? ग्रुप के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे कि ग्रुप के नीचे जो यहाँ पे यह पतला सा पट्टी जो दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो यहाँ से लेके और जो हमारा यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, हम इसे बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। मतलब एक प्रकार का यह फार्मूला बार होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सेल एक प्रकार का फार्मूला बेस सॉफ्टवेयर होता है। मतलब इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फार्मूला लगा के ही किया जा सकता है, अन्यथा इसका इस्तेमाल उतना बेटर तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो एक प्रकार का हमारा क्या बोला जाता है, यह फार्मूला बार बोला जाता है। और यह जो कोने में दिखाई देता है, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। मतलब एक प्रकार का ये सेल का एड्रेस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सेल का एड्रेस दिखाई देता है। जैसे हमने यहाँ पे इस सेल पे सेलेक्ट किया, देखिए तो देखिए बताया जा रहा है N4। मतलब किस एड्रेस पे हो वह हमारा किस में दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। उसके बाद से जो यह बगल में दिख रहा है FX, क्या FX, इसे बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंसर्ट फंक्शन। मतलब एक्सेल में सारे फार्मूले इसमें दिखाई देते हैं, और यहाँ से भी इन फार्मूले का इस्तेमाल आसानी तरीके से किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए एक प्रकार का सर्च फॉर फंक्शन, मतलब इसका लाइब्रेरी ओपन हो गया है। एक्सेल में जितने फार्मूले हैं सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। किसी फार्मूले को अगर सर्च करना है तो यहाँ से सर्च किया जा सकता है, यहाँ से भी सर्च किया जा सकता है। तो आसानी तरीके से हम लोग किसी भी फार्मूले का यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक प्रकार का ये हमारा इंसर्ट फंक्शन बोला जाता है। उसके बाद से जो हमारा यह है, हम इसे बोलते हैं सेल। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी सेल है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ये भी सेल है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ये भी सेल है। मतलब एक प्रकार का एक्सेल में जो भी हम वर्क करते हैं वह सारा सेल पे ही वर्क करते हैं। उसके बाद से जो A B C D E, यह जो हमारा दिखाई देता है, हम इसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं कॉलम। एक प्रकार का हमारा यह कॉलम होता है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से जो 1 2 3 4 5 6 यह दिखाई देता है, हम इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। मतलब एक प्रकार का जो सेल होता है वह कॉलम और रो के मिलके बना होता है। मतलब कॉलम और प्लस रो दोनों मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं, जिसमें हम सारा वर्क करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस पूरे ऑप्शन को बोला जाता है फार्मूले बार, इसको बोलते हैं फार्मूला बार, इसे बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स, इसे बोलते हैं सेल, या हमारा होता है कॉलम, इसे बोलते हैं रो। आज के क्लासेस में प्लस देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है sheet 1, sheet 2, sheet 3। मतलब एक प्रकार का एक्सेल ओपन करते समय जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट ओपन होता है, 3 ही सीट ओपन होता है। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।